गाइज गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस और बॉडी इक्विलिब्रियम के बारे में हम तीन चीज इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसमें तीन कंसेप्ट भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। अब अगर आपको तीनों कंसेप्ट समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझा के देता क्योंकि प्रॉपर समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए भाई, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कैसे है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर एफ नेट जीरो होना चाहिए और टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी बॉडी पर अगर एफ नेट जीरो हो तो हमेशा ही हमेशा उस पर टॉर्क जीरो ही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम देखेंगे। अच्छा, कंसेप्ट नंबर थर्ड ये है कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो हमें जानते हैं अच्छे से अगर कोई बॉडी रोटेट होने के लिए फ्री है तो किसके अबाउट रोटेट करेगी, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, ये तो हम सब जानते हैं। बट यहां पे कंसेप्ट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर फ्री टू रोटेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी जो एक्सिस है रोटेशनल एक्सिस, वो एक्सिस टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए, जो कि जिस आप जो फोर्स लगाया जिसके वजह से बॉडी रोटेट कर रही है उसके वजह से डेवलप जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए, मतलब दोनों पैरेलल होने चाहिए, तभी वो बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, जैसे कि क्या बोल रहा हूं आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए आगे जब आप पूरा बात कर लेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क के बारे में। बेसिक बात, टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, जैसा हम जानते हैं टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, देखने को मिल गया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का गाइस, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर, ये आपका गलती है। अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ के जगह पे एफ क्रॉस आर लगा लेते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, हम गलत क्यों कर लेते हैं वो बताऊंगा आपको, हमारे मन में ऐसा क्यों ख्याल आता है ये भी आपको सिखा के बता के जाऊंगा। ठीक है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, डायमेंशन क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, जो एनर्जी का डायमेंशन होता है गाइज। ठीक है, अच्छा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ में एक बात और भी ध्यान रखना है कि आर वेक्टर का जो हेड है वो एफ के पास रखना है। क्या बोला मैंने, आर वेक्टर का हेड हमेशा वहां होता है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जब भी हमारे पूरे फिजिक्स में कम से कम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें 4 से 5 जगह, ईएमआई पढ़ेंगे उसमें 2 से 3 जगह, एसी पढ़ेंगे उसमें भी 1 से 2 जगह आएगा। कम से कम यहाँ पे आपको बताऊं मैं, पूरे फिजिक्स में आपको 15-20 जगह पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो गाइज मैं बोलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट को आप अच्छे से समझें और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में आपको डायरेक्शन निकालने का काम ये करेगा। ठीक है, तो आप किसी फॉर्मूले से ये मत डटे कि आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क की डायरेक्शन निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, आप जनरलाइज कर ले। मैंने जनरलाइज करा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी सिखा दूं आपको, और ए क्या है फर्स्ट वेक्टर, बी क्या है सेकंड वेक्टर, सी क्या है थर्ड वेक्टर। मैं क्या बोलता हूं, ए इज द फर्स्ट वेक्टर, बी इज द सेकंड वेक्टर, सी इज द थर्ड वेक्टर। अब कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे, जैसे अभी टॉर्क पढ़ रहे हैं आप, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म तो वहां पढ़ेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मॉड का क्यूब। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड बी की डायरेक्शन देगा, तो वहां पे डीएल क्या होगा फर्स्ट वेक्टर, आर क्या होगा सेकंड वेक्टर और बी क्या होगा थर्ड वेक्टर। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर की तरह रटे उस चीज को, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, हर डायरेक्शन को आप सही से निकालेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर करके अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे आपको फर्स्ट वेक्टर क्या है आर वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है एफ वेक्टर। ठीक है गाइज, आपका फर्स्ट वेक्टर यहां पे एफ वेक्टर नहीं है, वो सेकंड वेक्टर है। ओके, ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हम सब जानते हैं। या अगर हम बोले ए क्रॉस वी इज इक्वल टू सी, अगर है कोई थर्ड वेक्टर जहां पे ए इज द फर्स्ट वेक्टर, बी इज द सेकंड वेक्टर, सी इज द थर्ड वेक्टर, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ए क्रॉस वी इज इक्वल टू सी तो सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू
बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता अच्छे से तो आप बताएगा, मैं आपको वेक्टर पे अच्छा वीडियो बना दूंगा जिससे आपको वेक्टर की हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपको इतना चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब टॉर्क का जब फॉर्मूला लिखते हैं आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर, वापस बोल रहा हूं एफ क्रॉस आर नहीं लिखना आपको, आर क्रॉस एफ लिखना है। आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। इसमें एक बात और ध्यान देना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ में आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं। अच्छा, अब सपोज करिए मैंने एक आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया है। अब यहां पे एंगल थीटा वन मैंने दिया है, कितना एंगल दिया है थीटा वन। मैंने बोला इसमें टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल आप बताएं, डायरेक्शन अभी ना मत बताएं, डायरेक्शन आपको आता नहीं। देखिए दो चीजें हम सीखना है अपने को, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, टॉर्क वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन सीख ले और मैग्नीट्यूड सीख ले, अपना काम हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे मैग्नीट्यूड की बात करूं यहां पे गाइज, तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहां पे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। यहां पे एंगल थीटा वन है तो क्या लिखेंगे एफ, सपोज करिए ये हो गया तुम्हारा एफ आर साइन थीटा वन, ठीक है गाइज। अब ए एंगल थीटा वन है, अब ये सही है, सही है ये, ठीक है ना। अब देखिए सपोज करिए, लेकिन अब वेक्टर में जाएंगे, जब आप वेक्टर में जाएंगे, वेक्टर में क्या होता है, यहां पे तुक्का इसलिए भिड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं तुक्का क्यों भिड़ रहा है। अब अगर वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर क्या कहता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड होता है या तो टेल टू टेल होता है। तो यहां पे देखिए तो पहले का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, तो थीटा वन एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर नहीं है। अगर स्टेटमेंट दिया जाए थीटा वन इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या है सही स्टेटमेंट, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज 180 माइनस थीटा वन। कितना एंगल है 180 माइनस थीटा वन। देखिए अगर कोई वेक्टर को आप आगे एक्सटेंड कर लेते हैं आर वेक्टर को, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ए एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा वन है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा वन, 180 माइनस थीटा वन। और हम जानते हैं गाइस साइन 180 माइनस थीटा वन सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और सेकंड अगर 180 वाले लाइन पे है तो साइन अपनी फंक्शन पर, कोई फंक्शन अपनी पहचान नहीं बदलता, ओनली 90 वाले लाइन पे अपनी फंक्शन पहचान बदलता है। तो साइन का साइन ही रहेगा और प्लस होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसलिए यहां पे अपना फॉर्मूला एफ आर साइन थीटा वन सही फिट बैठ रहा था। बट अगर एंगल बिटवीन एफ और आर की बात करूं, तो एंगल बिटवीन एफ एंड आर इज 180 माइनस थीटा वन। बोले बात क्लियर है क्या, तो एंगल बिटवीन एफ एंड आर इज 180 माइनस थीटा वन, ना कि थीटा वन होगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, अब डायरेक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए मेरी एक टपोरी लैंग्वेज में जो मैंने लिखा हुआ है, जो हमें समझ में आता है, मेरी इंग्लिश थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं जो चीज समझाता हूं और समझने की कोशिश करना, मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि हमेशा दो वेक्टर, अगर मैंने क्या बोला फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर माना, इसको सेकेंड वेक्टर माना, ठीक है। मैंने ये लिखा है पुट द हैंड, ये अपना हाथ है, अपने हाथ को सबसे पहले अंगूठे को ऐसे करके रखना है आपको, ठीक है। अपने हाथ को ए वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर पे रखना है, कौन सा वेक्टर, जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर उसे फर्स्ट वेक्टर बोलना है, दूसरे वाले को सेकंड बोलना है, जो आंसर आएगा उसको थर्ड वेक्टर बोलना है। तो पुट द हैंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये अपना पेंसिल राइट पेंसिल फर्स्ट वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर पे हाथ रख ले, कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, बिना हाथ तोड़े हुए, तो सेकंड वेक्टर की तरफ हाथ को कर्ल कर, देखिए कर्ल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाथ ऐसे करके कर्ल करने पे कर्ल हो जाएगा, तो थंब मेरा आपकी तरफ आ रहा है, थंब ऐसे आ रहा है, तो ये अपना टॉर्क की डायरेक्शन, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन होगा। अभी यहां पे क्या है, टॉर्क है, वो क्या है टॉर्क। तो यहां पे देखिए, यहां मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है पुट योर हैंड टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर एंड कर्ल फिंगर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर यानी बी वेक्टर, और थंब गिव्स अस थर्ड वेक्टर विच इज सी वेक्टर। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आप अपने उंगलियों को
आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ कर्ल करे, तो बात तो हुई ना आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ कर्ल करे, आर से एफ की तरफ कर्ल करे, तो बात तो वही पड़ी जैसे आपको समझ में आता है। लिखा है यहाँ पे क्या, इफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ आर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एफ, आर से एफ की तरफ कर्ल करने पे आपका थंब जो होगा टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन को इंगित करेगा, टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है गाइज। और पहला मैंने जो पॉइंट बताया था वो बताया था आर वेक्टर का हेड हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगता है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे होना चाहिए, मतलब जहां पे हम फोर्स लगाते हैं। तो यहां पे देखिए गाइज, जहां पे फोर्स लग रहा है वहीं आर वेक्टर का हेड है, तो ऊपर आर वेक्टर का हेड है, आर क्रॉस एफ करेंगे थंब हमारा इस साइड में आएगा, देखिए गाइज थंब हमारा एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अपने को समझ में आ जाएगा डायरेक्शन कैसे निकालना है, डायरेक्शन की प्रैक्टिस करा रहा हूं गाइज, ध्यान से देना, देखना। जब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए ये अपना आर वेक्टर है, आर वेक्टर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आर वेक्टर प्लेन के अंदर है, प्लेन के इनसाइड है, और एफ वेक्टर जो है ऐसे है। बताइए टॉर्क वेक्टर कैसे होगा, तो आर वेक्टर अंदर के साइड में एंड एफ वेक्टर थंब हमारा डाउनवर्ड आया पेज के डाउनवर्ड, और एक कैसा है पेज के अंदर इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज आर क्रॉस एफ थंब डाउनवर्ड द पेज, ठीक है पेज के डाउनवर्ड, ठीक है गाइज। तो ये हो गया अपना टॉर्क वेक्टर, ठीक है समझ में आया। चलिए एक और करते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये अपना आर वेक्टर है और अपना एफ वेक्टर है डॉट, तो क्या करेंगे आर पे अपना हाथ रख लेंगे पूरा खोल के और एफ की तरफ कर्ल करें, एफ की तरफ ऊपर, ऊपर ऐसे कर्ल होगा नहीं, तो हाथ को ऐसे रोटेट कर ले, लगे तो कॉपी मुड़ा ले, अगर हाथ टूटने का डर है तो कॉपी मुड़ा ले, आर क्रॉस एफ, ये हो गया अपना थंब नीचे के साइड में, मैंने अपना टैबलेट मुड़ा लिया है इसलिए मेरा ऐसा आया है, तो डाउनवर्ड आया, ठीक है गाइज। देखिए तो हाथ अपना ना तोड़े, अपने हिसाब से कॉपी मुड़ा लिया करें, यहां पे टॉर्क आ गए इस साइड नीचे के साइड में, ठीक है। और दो तीन करें, लीजिए एक दो और करते हैं। अगर मैं बोलूं कि यहां पे आर वेक्टर ऐसा है और एफ वेक्टर ऐसा है, बोलिए आर और एफ में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में आर और एफ में एंगल कितना था 90, और यहां पे टॉर्क और आर में एंगल कितना 90, और टॉर्क और एफ में एंगल 90, तीनों आपस में 90-90 पे थे। सेकंड वाले में भी वही केस था, थर्ड वाले में वही केस ले रहा हूं, अब फोर्थ केस लूंगा इसमें जनरल एंगल पे लूंगा, जैसे पहला जब पारा लिया थीटा वन पे, तो कुछ भी हो सकता है एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, वो 90 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए यहां पे आर वेक्टर है ऊपर एफ वेक्टर है, तो आर पे हाथ रख के एफ की तरफ कर्ल करेंगे, थंब हमारा बाहर के साइड में आया, इसे डॉट कहते हैं, क्या लगाते हैं डॉट, ये हो गया अपना टॉर्क वेक्टर, क्या गाइस टॉर्क वेक्टर, ठीक है। चलिए अब चलिए एक लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि अगर आर वेक्टर एफ वेक्टर ऐसे दे रखा है तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट, जो हमारी गलतियां होती हैं इसे डेवलप होती है, क्या गलती डेवलप होती है सुने आप ध्यान से। यहां पे हमने देखा कि आर के दो कंपोनेंट करें, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर कहते हैं, आर कॉस थीटा को आर पैरेलल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे आर पैरेलल। अब ध्यान से देखेंगे जब आर एफ साइन थीटा को ध्यान से देखते हैं, यहां पे आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर कह दिया गया, तो यहां पे फॉर्मूला आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ। अच्छा फिर एक बच्चे ने क्या करा, सर ठीक है मैं तो आर का वेक्टर नहीं लूंगा, मैं तो एफ को कंपोनेंट लूंगा, तो ले लो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, एफ के कंपोनेंट उसने लिए, एक कंपोनेंट ऐसे पैरेलल ले लिया, उसने बोला एफ कॉस थीटा और ये बोला एफ साइन थीटा, तो उसने बोला कि सर एफ साइन थीटा को क्या एफ परपेंडिकुलर नहीं बोल सकता हूं, बोल लो बेटा कोई बात नहीं, उसने बोला सर देखो एफ परपेंडिकुलर हो गया, तो उसके लिए फॉर्मूला टॉर्क के दो बने, टॉर्क का फॉर्मूला दो बना, वो बोला कि टॉर्क के फॉर्मूला सर देखो आर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी होता है और एफ परपेंडिकुलर इंटू आर भी होता है, तो अब मुझे बताओ कि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में अंतर क्या है। बेटा कोई अंतर नहीं है दोनों में, आपके आंसर सेम आएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, बट अंतर कब आएगा जब डायरेक्शन निकालेंगे तो आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्शन पर्पस से हमेशा आर क्रॉस एफ याद रखें, आपकी कभी गलती नहीं होगी,
मैग्नीट्यूड वाइज आप सही चलोगे, आर परपेंडिकुलर एफ या एफ परपेंडिकुलर आर, दोनों से मैग्नीट्यूड इक्वल आएंगे, बट डायरेक्शन उल्टा आ सकता है। इसलिए डायरेक्शन के लिए आप हमेशा याद रखें एक्चुअल फॉर्मूला जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, चाहे टॉर्क का फॉर्मूला हो, मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला हो, ईएमआई का फॉर्मूला, किसी चैप्टर का फॉर्मूला हो, वेक्टर फॉर्मेट वाला फॉर्मूला याद करके रखें, वेक्टर फॉर्मेट वाला फॉर्मूला याद करके रखें। मैं कितनी बार बोल रहा हूं वेक्टर फॉर्मेट वाला आपको याद करके रखना है, ठीक है गाइज। चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला हुआ है कोई बॉडी है और लाइक एम मास का कोई ब्लॉक है जो कि ओरिजिन से एक्स नॉट दूरी पे, ओरिजिन से एक्स नॉट दूरी पे है, और पूछा हुआ है कि उसको ड्रॉप करने पे, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है किसी टाइम टी पे, उसका टॉर्क कितना होगा उस पॉइंट ओ के अबाउट। तो गाइस देखिए टॉर्क जब निकालते हैं तो टॉर्क में मैंने अभी फॉर्मूला जो बताया था टॉर्क का, आर परपेंडिकुलर एफ। यहां पर मुझे एक बात बताइए, मुझे किसी टाइम टी पे जब एफ ब्लॉक यहां पे आ गया तो उसका एमजी, तो एमजी कांस्टेंट हो तो उसका एफ हमेशा कांस्टेंट है भाई, एफ क्या है कांस्टेंट। अच्छा, और अगर मैं आर परपेंडिकुलर की बात करूं तो जब ब्लॉक यहां पे था तब भी उसके लिए आर परपेंडिकुलर यही था, और जब ब्लॉक यहां पे था तब भी उसके लिए आर परपेंडिकुलर वही था। कितना भी नीचे आ जाए आर परपेंडिकुलर वही रहेगा, हाँ एंगल चेंज हो जाएगा जिससे स्पीड चेंज हो जाएगी तो एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, वो अलग सेगमेंट है। अभी मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं तो टॉर्क आपका क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स नॉट कांस्टेंट है और एमजी भी कांस्टेंट है, तो यहां पे एक्स नॉट क्या है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एमजी एक्स नॉट, एमजी एक्स नॉट जो कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट, टॉर्क क्या है भाई कांस्टेंट है, गाइस समझ में आया टॉर्क कांस्टेंट क्यों, क्योंकि यहां पे एक्स नॉट कांस्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसमें आपको पूरा एक एक समझ, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत सारे इसमें एक ही फोर्स ले रखे, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे हमें टॉर्क नेट टॉर्क निकालना है। चलिए एक एक चीज एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। मुझे ओ पॉइंट पे नेट टॉर्क निकालना है, और देखिए गाइस ए दूरी जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमें टॉर्क निकालना है ओ पॉइंट पे, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां से ओ पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूरी पे एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और मैंने अभी बताया था कि आपका आर वेक्टर का हेड वहां आपको मानना है जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आर वेक्टर का हेड यहां हो गया, डायरेक्शन निकालें, आर पे अपने हाथ को रखे ऐसे, उंगली को वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है, और एफ की तरफ कर्ल करना है, थंब हमारा नीचे, आर क्रॉस एफ, थंब हमारा डाउनवर्ड आया, तो डाउनवर्ड यहां डायरेक्शन आ गया इसका। अच्छा, या आपने यहां पे क्या करा, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेना है और आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लेना है, ठीक है, ठीक है ना, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो यहां पे आपका टाउ वन जो आ गया वो आ गया माइनस। अच्छा यहां पे सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 10 × 4 × 10⁻², तो टाउ वन इक्वल टू 0.4 न्यूटन मीटर, ओके राइट, ये टाउ वन आ गया आपका, ठीक है। अच्छा टाउ टू की बात कर लेते हैं, देखिए टाउ टू की बात करते हैं, टाउ टू में अच्छा एक बात जो है, जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है जहां पे अपने को टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा, उसके वजह से डेवलप टॉर्क जीरो होगा, आई बात समझ में, क्योंकि वहां पे क्या है आर परपेंडिकुलर जीरो है, बिकॉज ऑफ दैट आर परपेंडिकुलर इज जीरो, बिकॉज ऑफ दैट आर परपेंडिकुलर इज जीरो, वहां पे कोई आर परपेंडिकुलर नहीं है उस फोर्स की वजह से, उसलिए वहां पर उसका टॉर्क जीरो होगा। अच्छा अब 50 न्यूटन आया, 20 न्यूटन दो का टॉर्क अपने को निकालना है। चलिए गाइस नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 50 न्यूटन का टॉर्क निकालते हैं। देखिए अब इस पॉइंट ओ से एक फोर्स है जो 50 न्यूटन का, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, यहां पर टॉर्क निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अच्छा आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और एंगल एंगल दे रखा है इसने, और 37 डिग्री वो भी यहां से, ठीक है राइट। अब डायरेक्शन में क्या होता है, आर क्रॉस एफ में आर क्रॉस एफ नीचे आ गया, लेकिन ये गलत है, आप R की तरफ हाथ रखेंगे और F की तरफ कर्ल करेंगे, F हमारा लेफ्ट में है कि राइट में है,
देखिए गाइज, आर का एरो किस, एफ का एरो किस टाइप में है? एफ का एरो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है? वो आर का एरो लेफ्ट में जा रहा है, तो आपको हाथ को लेफ्ट में कर्ल करना है, ना कि राइट में कर्ल करना है। ठीक है, एरो के साइड में आपको अपने उंगलियों को कर्ल करना है। तो आर क्रॉस एफ, तो आपका थंब किधर आया? आउटसाइड। किधर आया? आउटसाइड। तो यहां पर आ गया डॉट, और डॉट क्या माना हमने? पॉजिटिव। अच्छा, आर परपेंडिकुलर निकालना अपने गाइज। देखिए तो F के परपेंडिकुलर R, A दूरी कितना था? 6 था, ये 6 था, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट F के परपेंडिकुलर मेरे हिसाब से जो आएगा कंपोनेंट ये आएगा, ये चीज तो हो जाएगा 6 sin 37 और सेंटीमीटर में आएगा, तो आप मीटर में उसको कन्वर्ट करना ना भूलें। तो यहां पे टॉर्क 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 15 into 6 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 into 10^-2। ठीक है, ए हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर को। अब सॉल्व कर दे, 5 3 15 और 54 हो गया, टॉर्क 2 इक्वल टू 0.54 न्यूटन मीटर। ओके गाइज, ये टॉर्क 2 भी आ गया। ठीक है, अच्छा टॉर्क 3 बचा हुआ है, टॉर्क 3 भी सॉल्व कर लेते हैं, वो फर्स्ट पेज पे ही सॉल्व करते हैं इरेज करके। ठीक है, चलिए गाइज यहां पे टॉर्क 3 सॉल्व करते हैं। यहां पे टॉर्क 1 कितना आया था अपना? टॉर्क ड्यू टू 1 आया था माइनस 0.4। अच्छा, अपना अब ए वाला टॉर्क बचा है, इसके डायग्राम बनाते हैं। देखिए अब यहां से देखेंगे 4 मीटर पे एक फोर्स लग रहा है। अगेन देखिए, इसका एरो इस साइड में है और आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपका एरो इसका हेड इधर जा रहा है राइट साइड में, तो आपको उंगली को राइट साइड में कर्ल करना है। तो राइट साइड में कर्ल करें तो थंब हमारा ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो थंब ऊपर आएगा गाइज। तो देखिए यहां पे डॉट, तो मतलब पॉजिटिव टॉर्क आएगा। और अगर आर परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेहतर होगा कि यहां पे एफ वेक्टर ऐसे जा रहा है, एफ का कंपोनेंट यहां पे कर ले। ठीक है गाइस, देखिए ए एंगल दे रखा था 150, कितना दे रखा 150, तो एंगल कितना हो गया? अगर ए एंगल 150 है तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ए कितना हो गया? एफ साइन 30, और एफ कितना है? 20, तो एफ साइन 30 कितना हो गया? 20 into 1/2, बोले तो 10 न्यूटन अपना फोर्स हो गया। अच्छा, आपको निकालना है टॉर्क, तो देखिए टॉर्क जब निकालेंगे, टॉर्क 3 = 10 into R perpendicular, तो 4 into 10^-2, और इस हो गया प्लस में, तो हो जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। ठीक है गाइज, अब टॉर्क नेट अगर निकालेंगे, देखिए टॉर्क 3 ने टॉर्क 1 को मार दिया, टॉर्क 3 ने टॉर्क 1 को मार दिया। जब नेट निकालेंगे तो देखिए नेट टॉर्क नेट अपना बचेगा 0.54 न्यूटन मीटर, और एक चूंकि कैसा है डॉट में है, तो अपना आंसर किधर आया? डॉट में, ऊपर के साइड में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बचा तो पॉजिटिव हमने क्या माना? डॉट को पॉजिटिव माना था। आंसर क्या आएगा? 0.54 न्यूटन मीटर अपवर्ड पेज के बाहर डॉट में आ गया। ठीक है गाइज, चलिए एक क्वेश्चन और भी अपना। यहां पे बोला है कि एक बॉल है जो पी से क्यू तक फेंका जाता है, पी से क्यू तक फेंका जाता है, बताइए जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तब उसके द्वारा डेवलप टॉर्क कितना है पी के अबाउट, और जब ग्राउंड पे टकराया क्यू तक पहुंच गया तब पी के अबाउट टॉर्क क्या होगा? तो पॉइंट के अबाउट टॉर्क पढ़ रहे हैं अपन लोग। देखिए गाइज, यहां पर उसका वेट mg होगा। ठीक है, अच्छा, और इस केस में आर जो होगा, आर वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, और आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे फोर्स लगाते हैं अपन लोग, तो आर क्रॉस एफ करेंगे थंब मेरा नीचे आएगा। देखिए ऐसे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या है? एमजी, और ए आर वेक्टर है, तो टॉर्क तो अपना आगे नीचे के साइड में। ठीक है ना, अच्छा यहां पे अपना आर परपेंडिकुलर क्या होगा वो देखे गाइज, आर परपेंडिकुलर मेरे हिसाब से रेंज का आधा होगा। ठीक है ना, टाइल है तो रेंज का आधा इसका आर परपेंडिकुलर होगा, दूसरे केस में आर परपेंडिकुलर इसका आर हो जाएगा। तो इसके टॉर्क 1 इक्वल टू एमजी आर बाय 2, वेयर आर क्या है? रेंज है। अच्छा टॉर्क 2, टॉर्क 2 की बात करो तो हो जाएगा एमजी आर, कितना हो जाएगा? एमजी आर।
टॉर्क टू इज इक्वल टू एम जी आर, ठीक है, समझ में आया। अच्छा रेंज क्या होता है, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी या फिर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है, रेंज रेंज का फॉर्मूला है होता है, तो आप लगा के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है पी से क्यू में, पी से क्यू तो जब जा रहे हैं टॉर्क घट रहा है बढ़ रहा है कॉन्स्टेंट है। देखिए यहां पे पी से क्यू में जाने पे आर परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है, आर परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है जबकि लगने वाला फोर्स एम जी जो है वो कॉन्स्टेंट है, वो क्या है कॉन्स्टेंट है, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, टॉर्क क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब है टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क आपको निकालना सिखाना है। देखिए किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जब निकालते हैं, दरवाजे को पकड़ ले, अब दरवाजे पे तीन तरीके से मैंने फोर्स लगाए, थ्री डी में दरवाजा बनाने की कोशिश करी है। एक देखिए सपोज करिए एक कोई दरवाजा है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे कोई दरवाजा ऐसे मान लीजिए, जैसे मैं कोई चीज ले लेता, देखिए एक कोई दरवाजा है, ये दरवाजा है, इस स्पाइरल के अलोंग हिंज है, ये हिंज है पूरा, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो क्या दरवाजा घूमेगा, नहीं घूमेगा, दरवाजा लॉक है दरवाजा, क्या मैं ऐसे आके ऊपर से फोर्स लगाता हूं ऐसे यूं खुलेगा दरवाजा, नहीं खुलेगा, ठीक है। अब बताइए यहां पे आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है, जो हिंज पॉइंट होता है एक्सिस एक्सट्रापोलेशन से एफ वेक्टर की परपेंडिकुलर दूरी होती है आर, तो आर वेक्टर ये हो गया, एफ वेक्टर ये हो गया, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए थर्ड जो फर्स्ट वाला केस है उसमें एफ वेक्टर ऊपर लगा रहे हैं, उसमें एंगल कितना आर और एफ में 90 डिग्री है, तो आपका जो आर एफ आया तो लेंथ कितनी है उसकी, एल है, तो उसका एल आ गया उसका इन केस ऑफ एंगल आर एफ आ गया, चल ठीक है। तो टॉर्क कितना डेवलप होगा, टॉर्क मतलब इसके अबाउट रोटेशन, रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कोई रोटेशन, टॉर्क कितना हो गया जीरो। सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में ऐसे फोर्स लगाया, क्या दरवाजा खोला, नहीं, इस केस में टॉर्क कितना होगा जीरो, ठीक है। अच्छा थर्ड केस, अब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो क्या घूम जाएगा ऐसे, अब ऐसे घूम जाएगा दरवाजा, तो इस केस में आर और एफ में कितना 90 डिग्री, तो दरवाजा खुल गया और इसमें टॉर्क डेवलप हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि केस फर्स्ट में एंगल 90 डिग्री था फिर भी टॉर्क डेवलप नहीं हुआ। तो जो पॉइंट के अबाउट टॉर्क पढ़ रहे थे उसमें हमने एक ही चीज सीखा, अगर आपका टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है तो आर एफ साइन थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और थीटा जीरो हो तो टॉर्क मिनिमम होगा। बट यहां पे पूरी कहानी उल्टा पड़ गया, अगर एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो टॉर्क 90 डिग्री, अगर दोनों के बीच का आर और एफ में एंगल 90 अगर होता है तो जरूर नहीं कि हमेशा टॉर्क आए ऐसे ही, हमेशा टॉर्क आए ऐसे ही, वो डिपेंड करता है, अब किस बात पे डिपेंड करते हैं सोचो, कि अगर आपका आर क्रॉस एफ करने पे उसका जो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर आ जाती है तब तो वो टॉर्क डेवलप करवाएगा, और अगर नहीं आता है तो टॉर्क डेवलप नहीं कराएगा। जो पल फर्स्ट केस में आर वेक्टर ऐसा था एफ वेक्टर ऊपर के साइड में था, तो आर क्रॉस जब एफ करेंगे तो आर क्रॉस एफ करने पे थंब मेरा इस साइड में आ रहा, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, बताए दोनों पैरेलल है क्या, देखिए ना परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए, तो इस केस में वो घुमाएगा नहीं। सेकेंड केस में आर और एफ में एंगल कितना था 0 डिग्री, तो आर क्रॉस एफ में अगर एंगल नहीं है तो टॉर्क तो वैसे ही 0 है। थर्ड केस में आर वेक्टर ऐसे है एफ वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो ऐसे मेरा थंब आ रहा है, तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आ रहा है, मतलब टॉर्क डेवलप करेगा। ओके तो यही समझाना चाहता था। अब फर्स्ट केस में आर क्रॉस एफ लिखा है तो आर क्रॉस एफ तो आ रहा है, आर क्रॉस एफ तो है एल एफ, बट टॉर्क कितना डेवलप हुआ जीरो, टॉर्क कितना डेवलप हुआ जीरो। सेकेंड केस में दोनों जीरो है, थर्ड केस में एल एफ आर क्रॉस एफ आया और टॉर्क कितना आया एल एफ आया। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बताया था कि जो एक्सिस है उससे उस पॉइंट की दूरी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जो दूरी परपेंडिकुलर दूरी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फोर्स जहां पे लगा रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर दूरी लेनी है, उसे हम आर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एक्स इज कंपोनेंट, टॉर्क अबाउट एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ का वह कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल हो, रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। चलिए अब इस पे हम
कुछ स्टेटमेंट आपके सामने लिख के दिए हुए हैं। मैंने बोला कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क जीरो है, किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है, तो क्या टॉर्क जीरो होगा? किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है तो क्या टॉर्क जीरो होगा, सत्य है क्या? सत्य है। अब आपके स्क्रीन पे पहले दिख गया था, बोल देंगे सही, तो ये चीज असत्य है, ठीक है ना। टॉर्क नेट जीरो ये हमेशा सत्य नहीं है। टॉर्क नेट जीरो अगर होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट बताया था, टॉर्क नेट जीरो हो भी सकता है, नहीं बस वो वाला केस नहीं होने वाला केस ये रहा। अगर कपलिंग फोर्स है तो बॉडी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए दोनों एफ नेट कितना हो गया, जीरो, बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर स्टेटमेंट लिख के आए तो क्या करेंगे आप, फॉल्स करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसमें बोला हुआ है किसी बॉडी पे टॉर्क नेट जीरो है तो एफ नेट जीरो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप एक तरफ से 2 न्यूटन एक तरफ से 5 न्यूटन लगाएंगे तो नेट फोर्स बचा रहेगा और बॉडी घूमेगी नहीं, चलेगी, तो उस केस में टॉर्क जीरो रहता है बट एफ नेट जीरो नहीं रहता है, तो ए बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है गाइज। चलिए अब कंसेप्ट की बात आती है। सबसे पहला कंसेप्ट जो है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर एफ नेट जीरो होगा और उसका नेट टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट ये है, इस पे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियरिटी होगी। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई, सेकेंड कंसेप्ट पहले लिखा था, अगर किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है और टॉर्क जीरो नहीं है तो उसके हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम रहता है, ये बोला था। चलिए इस चीज को प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करने के लिए अब मैंने टॉर्क ए के पॉइंट अबाउट निकालता, बी के अबाउट निकालता और सी के अबाउट निकालता, ठीक है। हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर सेम आता है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हो सत्य है। तो चलिए निकालते हैं गाइस एक एक करके। अगर टॉर्क अबाउट ए मैं निकालूं, तो अगर मैं ए का टॉर्क निकालू, ए पॉइंट पे टॉर्क निकालू, तो जो ए पे फोर्स लग रहा है उसके वजह से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, हम अच्छे से जानते हैं। तो अब देखिए ए से एक फोर्स है जो एफ दूरी पे है और हम जानते हैं आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये दूरी कितनी है 2L, ठीक है। तो यहां पे जो टॉर्क डेवलप होगा आर क्रॉस एफ से, तो क्रॉस आएगा नीचे के साइड में, आप कॉपी अपना घुमा ले, ठीक है, कॉपी ड्रॉ करके, तो नीचे के साइड में टॉर्क आएगा, तो टॉर्क 1 = 2LF और क्रॉस में आएगा, ओके गाइज। ए पे टॉर्क एट ए पे टॉर्क कितना आएगा 2LF नीचे साइड में। ऐसे टॉर्क एट बी निकालो गाइज, तो बी के यहां नीचे है, तो बी पे जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से बी पे टॉर्क जीरो होगा। अब यहां पे एक बी से 2L दूरी पे एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, हम जानते हैं आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे फोर्स लगाते हैं, तो टॉर्क एट बी इक्वल टू 2LF अगेन होगा। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अगेन नीचे आया, डायरेक्शन अगेन नीचे आ गया, ओके राइट। अच्छा ए हो गया, बी हो गया, आप जनरल पॉइंट लेते हैं सी, क्या ले लेते हैं सी पॉइंट ले लेते हैं जो कि इन दोनों के बीच में कहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं है, L बाई 2 दूरी पे ले लेते हैं, L बाई कहीं भी आप ले लो, L बाई 3 दूरी पे, L बाई 2 दूरी पे, आपको जो इच्छा हो, ठीक है ना। मैं L बाई 2 दूरी पे लेता बीच में, ठीक है। चलो मैं जनरल पॉइंट पे ले लेता x दूरी पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ऊपर से जहां F फोर्स लग रहा था उससे x दूरी पे यहां पे हम निकालना चाहते हैं, और दूसरा जो फोर्स है इससे 2L माइनस एक्स दूरी पे है उसके वजह से कितना टॉर्क होगा। अब अगेन इसका हेड यही होगा, तो देखिए आर क्रॉस एफ इसका नीचे, इसका भी नीचे, दोनों की वजह से टॉर्क कितना आएगा, नीचे के साइड में आएगा, इसका भी टॉर्क नीचे, इसका भी टॉर्क नीचे, तो यहां पे टॉर्क सी, टोटल जो टॉर्क आएगा वो आएगा एक्स एफ प्लस 2L माइनस एक्स एफ, और दोनों मिलकर कैसे आएंगे, क्रॉस में आएंगे। जब गाइस सॉल्व करेंगे तो आएगा 2LF क्रॉस में। तो अभी क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया अपने को कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम रहता है अगर एफ नेट जीरो है तो। तो स्टेटमेंट यही था, अगर कोई बॉडी पे एफ नेट जीरो है, किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड ये था, अगर कोई बॉडी पे एफ नेट जीरो है और टॉर्क जीरो नहीं है, और टॉर्क जीरो नहीं है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होना चाहिए। टॉर्क देखिए मिल रहा अपना सेम। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, सपोज करिए कि आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दूं
कि एक कोई रॉड है जिसकी लंबाई गई 10 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कि यहां पे दो फोर्स लगाए जा रहे हैं। एक तो इधर फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का, कितने का? 20 न्यूटन का। और एक फोर्स इधर लगा रहा है 20 न्यूटन का। क्लियर बात? अब ये बोला कि यहां से एक पॉइंट भी दे रखा है, इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूरी पे कोई पॉइंट है P, वहां पे आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना। उसके अबाउट आपको पूछा हुआ है टॉर्क के अबाउट P कितना होगा, आप मुझे बताएं। स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। अब कंसेप्ट ये कहता है कि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट सेम, अगर एफ नेट जीरो, क्या सबसे पहले देखें एफ नेट जीरो है क्या? हाँ, 20 इधर 20, एफ नेट जीरो है, तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। अच्छा, वो पॉइंट जरूरी है कि हमेशा अंदर ही एग्जिस्ट करे, बाहर एग्जिस्ट करता है तो सत्य है क्या? ये भी प्रूफ कर देते भैया। देखिए, अगर मैं बात करूं इस चीज में, यहां पे अगर मैं यहां पे पॉइंट को बाहर ले लेता, ठीक है, सपोज करिए वो पॉइंट मैंने कोई यहां ले लिया, उसका नाम है डी, टॉर्क है डी, पॉइंट पे टॉर्क निकालना चाहते, इसकी लंबाई कितनी थी 2L, इधर फोर्स लग रहा था F, इधर फोर्स लग रहा था F, ठीक है। अच्छा, इससे जो वेक्टर था, इससे दूरी था हमने निकाला, वो R निकाला, ठीक है। इसका एंगल वेंगल दे रखा था, तो उसका एक कंपोनेंट मान लेते हैं, सॉल्व आउट करने पर अपना एक्स नॉट आया, एक्स क्या चीज है? आर साइन थीटा, आर कोस, जो भी अपना आता है, ठीक है ना, एक्स है। तो अब मुझे बताइए जो ए दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 2L - x। हमें मतलब किससे? हमें मतलब है एफ आर परपेंडिकुलर से। तो गाइज, आर तो यहां पे, पॉइंट तो यहां पे है, ठीक है ना, तो उसका आर परपेंडिकुलर तो अपना यही चीज होगा ना, पहले वाले फोर्स के लिए, और दूसरे वाले फोर्स के लिए आर परपेंडिकुलर नीचे वाला चीज होगा। तो अपने को इन दोनों चीज से मतलब है, ठीक है ना। तो अपने एक्स और 2L - x है। अब गाइज देखिए, अगर आपको इस पॉइंट का टॉर्क निकालना है तो देखिए आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर वेक्टर ऐसे है और एफ वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, तो अपना थंब आया नीचे के साइड में, और अगर वो सब कुछ लेंगे तो ये हो जाएगा अपना एफ एक्स क्रॉस में, ठीक है गाइज। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है उससे देखिए, आर वेक्टर ऐसे है तो उसके लिए देखेंगे, ये अपना आर वेक्टर ऐसा हो गया, एफ वेक्टर ऐसा हो गया, और आर वेक्टर का हेड इस तरीके से है, तो इसके वजह से टॉर्क इधर आएगा, इसके वजह से भी नीचे आया, तो इसके वजह से नीचे आया, तो टॉर्क 2 = कितना हो गया? ये हो गया अपना 2L - xF। अगेन गाइस, अब सॉल्व करेंगे तो टॉर्क नेट = 2LF आएगा। कितना आएगा? 2LF। तो गाइज, कहीं पे भी ये नहीं फर्क पड़ता कि पॉइंट अंदर है कि बाहर है। तो गाइज, उस कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे टॉर्क कितना पी पॉइंट पे होगा? देखिए, आप कहीं पे भी टॉर्क निकाल लीजिए और वही टॉर्क उसके, अगर यहां पे ए इसका नाम दे, उसका बी नाम दे, टॉर्क अबाउट बी निकालना आसान है। तो गाइज, टॉर्क अबाउट बी निकाल दीजिए, वही मतलब समझ गए, टॉर्क अबाउट बी टॉर्क अबाउट पी, ये अपना होता है, हर सबके अबाउट टॉर्क इक्वल होता है। तो टॉर्क अबाउट बी कितना होगा गाइज? देखिए, टॉर्क अबाउट बी डायरेक्टली करूं क्या, बी का तो मर गया, तो यहां पर जाएगा इसकी लेंथ 10 × 10⁻²⁰ × 20 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा? टॉर्क अबाउट बी = 2 न्यूटन मीटर। 2 न्यूटन मीटर है। डॉट या क्रॉस वो भी देख ले। देखिए, अगर हम टॉर्क किस पे निकाल रहे हैं? बी पे निकाल रहे हैं टॉर्क। तो बी पे अगर टॉर्क निकालेंगे तो देखिए, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो आर वेक्टर का हेड ऐसे होगा, तो आर क्रॉस एफ किधर आएगा? नीचे के साइड में। तो यहां पे टॉर्क आ गया नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में टॉर्क आ गया, ठीक है। तो यही टॉर्क डी पे, पी पे भी होगा, तो 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलिए, अब क्या है, इफ एफ नेट स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पे। अच्छा, अब डाउट क्या है
कि ठीक है सर आपने क्या बोला कि किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है और टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी रोटेट करेगी, करेगी मान लिया रोटेट करेगी, बट किसके अबाउट करेगी? चलो ये भी मान लिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेगी, क्योंकि हम अच्छे जानते हैं अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है। बट दिक्कत ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी उसकी एक्सिस कैसे होगी? किसी बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी एक्सिस कैसे होगी? सपोज करिए कि ये यही वो बॉडी है जो हम लिए हमने लिया था, अब इस पे एक फोर्स मैंने इधर से लगाया कपलिंग फोर्स और एक फोर्स नीचे से लगाया, ठीक है, तो इस बॉडी को ऐसे रोटेट करना चाहिए, इस प्लेन में रोटेट करना चाहिए ना। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे फोर्स लगाने में बॉडी ऐसे रोटेट करने, इस प्लेन पे रोटेट करने, इस प्लेन पे ऐसे रोटेट करने लगे, इसी प्लेन पे रोटेट करेगा ऐसे, या ऐसे जो नहीं कि ऐसे रोटेट करे किसी एंगल पे, या ऐसे रोटेट करे, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, हमेशा वो बॉडी हमेशा ऐसे रोटेट करेगी वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फोर्स लगाया था आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस जो फोर्स, मान लीजिए फोर्स इधर लगाया था आपने, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क अपना इधर आया था, टॉर्क अपना इधर आया था, देखिए इसकी एक्सिस किधर हो रहा है रोटेट हो रहे, तो एक्सिस किधर है इसकी, इसकी एक्सिस रोटेशनल एक्सिस इधर ही तो है, किधर है, इधर ही तो है, या इधर होगा या इधर होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका देखिए, देखिए किधर है इस घूमने वाला, जब ऐसे घूम रहा है कोई चीज तो रोटेशन उसके एक्सिस ऐसे ही तो है उसकी, समझ में आ रहा है रोटेशन एक्सिस कैसे है। तो अब यहां पे मैंने तीन चार एक्सिस बना के दी है कोई बॉडी पे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कौन सा एक्सिस सही है, तो फोर्थ इज द करेक्ट। तो क्या समझना चाहिए अपने को, अगर कोई बॉडी पे एफ नेट जीरो है और वो बॉडी रोटेट होने के लिए फ्री है तो किसके अबाउट रोटेट करेगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, और उसकी जो एक्सिस होगी वो टॉर्क वेक्टर के एक्सिस के पैरेलल होगी। जो हमने आंसर निकाला है टॉर्क वेक्टर के डायरेक्शन डॉट या क्रॉस जो भी हम निकाल रहे हैं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन अपना अपना क्या है क्रॉस में आया है, तो क्रॉस में जो डायरेक्शन अपना आया है तो उसकी एक्सिस रोटेशन भी क्रॉस में ही होगी। मतलब रोटेशनल एक्सिस कैसे होगी, मतलब ऐसे इसके अबाउट रोटेट करेगी, इसकी एक्सिस से है और ऐसे ही वो रोटेट करेगी पूरा, ऐसे एक्सिस ऐसे है इसका और ऐसे ऐसे पूरा रोटेट कर रही है, समझ में आ रहा है? तो इसकी स्टेटमेंट आपको ध्यान रख, आंसर क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन। ये अच्छे से आप समझ लें कि ये स्टेटमेंट आपको फंसा सकता है, इसलिए अच्छे से समझे कि जब भी कोई बॉडी पे एफ नेट जीरो है, किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, एफ नेट जीरो है टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी रोटेट करेगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और उसकी एक्सिस जो होगी उसके और टॉर्क वेक्टर के पैरेलल होगी, ठीक है गाइस। चलिए अब इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स को। सबसे पहला कंसेप्ट होता है एफ नेट को जीरो प्रूफ करते हैं और टॉर्क को जीरो प्रूफ करते हैं, दोनों को दो कंसेप्ट लगाते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, स्टेप दो स्टेप है मैंने बना रखे हैं, ये दोनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कैसे फॉलो करने गए देखिए, अब यहां पे बोला हुआ है कि एफ एक कहां कितना फोर्स और कहां पे फोर्स लगाऊं कि अपना बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहे। तो गाइस देखिए हमने क्या बोला कि हमने किसी भी एंड से कहीं से भी एक दूरी मान लो आपकी मर्जी से, देखो मैं कहां से मानता हूं 20 से मानता हूं, 20 के अबाउट टॉर्क में जीरो करने को सोच रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो 30 न्यूटन से एक्स मान ले या चाहे तो आप एक ए वाले कॉर्नर से एक्स मान ले, ठीक है ना, आपकी मर्जी, लेकिन बी वाले कॉर्नर से ना माने क्योंकि बी वाले कॉर्नर से बी और 30 के बीच की दूरी नहीं दे रखी है ना पूरे रॉड की दूरी दे रखी है, तो आप या तो ए से माने या तो सी से माने या तो इस पॉइंट से 30 न्यूटन वाले से माने, तो मैं सी से मान रहा हूं एक्स दूरी। अच्छा सी से एक्स दूरी पे कोई फोर्स लगाना है कितने न्यूटन का, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि एफ नेट को अपने को जीरो प्रूफ करना, एफ नेट को जीरो पहला स्टेप है, तो अब बताओ नीचे 30 ऊपर 20 तो कितना और ऊपर लगा दो बैलेंस कर जाएगा 10 न्यूटन, कहां लगाऊं वही नहीं पता अपने को, तो टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करता हूं, टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो प्रूफ कर लेता हूं अपना आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट सी में देखिए इस सी से 30 मीटर दूरी पे, सॉरी 20 सेंटीमीटर दूरी पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके अबाउट टॉर्क हम निकालेंगे, और एक जो है सी से एक्स दूरी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके वजह से टॉर्क निकालेंगे अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले में और
अच्छा एक सेंटीमीटर में आएगा, कुछ सेंटीमीटर में दे रखा था, आप उसको मीटर में कन्वर्ट ना करें। देखिए तो R क्रॉस F तो नीचे आ गया है, तो पहले वाला इसका आगे नीचे के साइड में नीचे नेगेटिव मान के चलते हैं, टॉर्क 1 = 600 नेगेटिव में, ठीक है यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। सेकेंड वाला मैं बोलूं, सेकेंड वाले में देखिए R क्रॉस F ऊपर के साइड में आया अपना डॉट, तो आया tau2 = 10x। क्या इन दोनों को इक्वेट कर दूं, tau1 + tau2 = 0 और 10x + -600 = 0, 10x = 600, तो x = 60, कितना आ गया x = 60। कहां से आया x = 60 फ्रॉम C और x = 70 फ्रॉम A। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एंगल भी दे रखा अपना 37 डिग्री। देखिए 37 डिग्री दे रखा है गाइस, तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा 8 और y कंपोनेंट हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा आपको वैल्यू पता है साइन 37 के और कॉस 37 के, साइन 37 के होते हैं 3/5, कॉस 37 के होते हैं 4/5, ठीक है। अब उससे हमने निकाल लिया, अब ध्यान से देखेंगे ऊपर टोटल लग रहा है 11 न्यूटन, नीचे लग रहा है 3 न्यूटन, तो इसका नीचे और मुझे 8 न्यूटन लगाना पड़ेगा, और कहां से लगाना पड़ेगा ये भी अपने को खुद जज करना है। तो गाइस मैं ऐसा पॉइंट सोचूंगा जिसके बाद टॉर्क में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस देखें यहां पे एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पे दो फोर्स लग रहे हैं, ये वाला पॉइंट, या इसके अबाउट टॉर्क आप जीरो करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स तो ऐसे ही मर जाएंगे, तो दो फोर्स मर जाएंगे तो वहीं से दूरी आप मेजर करना चालू करो। तो मान लेते हैं यहां से एक्स दूरी पे एक 8 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, कितने न्यूटन का, 8 न्यूटन का, तो इसके अबाउट टॉर्क आपको जीरो प्रूफ करना है, ठीक है ना गाइज। चलिए अब देखिए, अब उससे देखिए सबसे पहला जो फोर्स है उससे 10 सेंटीमीटर पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ऊपर के साइड में, इसके वजह से टॉर्क R क्रॉस F नीचे के साइड में टॉर्क डेवलप हुआ, तो नीचे के साइड में टॉर्क आया tau1 = 50, ठीक है ना, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है tau1 = 50। दूसरा जो है इससे x दूरी पे है, कितना दूरी पे, x दूरी पे नीचे लग रहा है 8 न्यूटन का x दूरी पे, तो उसके टॉर्क जो आएगा ऊपर के साइड में आएगा वो आएगा 8x, कितना आएगा ये डॉट आएगा और टॉर्क 2 = 8x आ गया। तीसरा निकालते हैं जो कि वहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, कितना दूरी पे है 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और वो भी नीचे के साइड में ही लग रहा है और वो है 3 न्यूटन का और दूरी है 5 सेंटीमीटर गाइज। देखिए इसका भी आएगा डॉट में, देखिए आर क्रॉस एफ करेंगे, ये टाउ 3 जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 15। अब गाइस तीनों का साइन के साथ हम प्लस करेंगे, इसका नेगेटिव में है तो जब प्लस करेंगे 8x + 15 - 50 = 0, तो 8x = 35, तो x = 4.375 सेंटीमीटर। ओके गाइज चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा इसका एक बेसिक क्वेश्चन भी है जो आपको समझ लेना चाहिए और ये आपको अपने मन से ट्राई करना चाहिए। देखिए एक ऐसे रस्सी, ऐसे हिंज है और एक रॉड ऐसे लटकाया हुआ है जो कि इस तरीके से, ठीक है बिल्कुल कॉर्नर पे, इसकी लंबाई है 2L, ठीक है। अब इसका टेंशन टी है, इसका टेंशन टी बी, ठीक है इसमें कितना होगा, इसका मास है एम, तो इसका एम जी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा एम जी, जो यहां से कितना दूरी पे होगा एल दूरी पे होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहला कंसेप्ट टी ए प्लस टी बी इजकल टू एम जी कर देंगे, सबसे पहला कंसेप्ट करेंगे टी ए प्लस टी बी इजकल टू एम जी, ठीक है गाइज टी ए प्लस टी बी इजकल टू एम जी। सेकेंड कंसेप्ट में क्या करेंगे, किसी के अबाउट टॉर्क जीरो कर देंगे, तो मैं इसके अबाउट टॉर्क को जीरो कर रहा हूं। देखिए इसके अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे तो इससे एक तो mg फोर्स लग रहा है यहां पे, ठीक है इसके अबाउट टॉर्क आएगा नीचे के साइड में, किधर आ रहा है नीचे के साइड में टॉर्क आ रहा है, और कितना आएगा, और टॉर्क 1 = mgl, कितना आ रहा है mgl। अच्छा दूसरा जो पॉइंट है उससे कितना दूरी पे है 2l दूरी पे है और ऊपर फोर्स लग रहा है tb, ठीक है तो r वेक्टर का हेड वहां होगा, देखिए ऊपर डॉट में आ रहा है तो डॉट में आ गया, और डॉट में कितना आ गया, ए डॉट में आ गया तुम्हारा टी, टॉर्क 2 = 2l tb। क्या दोनों की क्वेट कर दूं, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है,
एक ऊपर एक नीचे है तो इक्वेट कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2LTB इक्वल टू 2LTB इक्वल टू MgL MgL। गाइस देखिए L ने L को मार दिया, TB की वैल्यू आ गई Mg बाई 2, तो TA की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी Mg बाई 2 हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था जिसका हमें चलिए अब उसके बाद से जो एक क्वेश्चन दे रखा है उसको करते हैं। इसमें दे रखा है कि एक एंड से 3L बाई 4 दूरी पे है, तो गाइज ये भी वैसे ही होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इस वाले एंड से L बाई 2 दूरी पे होगा। कितना दूरी पे होगा, L बाई 2 दूरी पे, जो कि Mg है, ठीक है गाइज। अच्छा हम अगेन इसके अबाउट टॉर्क जीरो प्रूफ करने वाले हैं, इसके बाद टॉर्क हम जीरो लगाने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा अब पहले बैलेंस कर लेते हैं, और देखिए ऊपर जो है इस पे टी ए इसका टी बी, तो लिखेंगे टी ए प्लस टी बी इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, टॉर्क का इक्वेशन लगा दे। देखिए पहला जो है उससे एल बाई टू दूरी पे एम जी फोर्स लग रहा है, इसके वजह से टॉर्क जो आएगा नीचे आएगा क्रॉस में, आर क्रॉस एफ करेंगे तो, और नीचे अगर आया तो यहां पे क्रॉस में आ गया टाउ वन इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेबल टू माइनस में। अच्छा दूसरा जो फोर्स है वो देखें, दूसरा जो फोर्स है टीबी वाला वो उससे 3L बाई 4 दूरी पे है, जो कि ऊपर के साइड में फोर्स है, आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऊपर के साइड में इसका टॉर्क आ गया गाइज, तो ऊपर के साइड में टॉर्क आ गया टाउ टू, बताएं कितना हो गया, ये हो गया 3L बाई 4 टीबी। क्या है ऊपर नीचे है, तो एक प्लस एक माइनस ऊपर इक्वेट करो दोनों को, ये हो जाएगा 3L बाई 4 टीबी, 3L बाई 4 टीबी इक्वल टू एम जी एल बाई 2 देख गए, एल बाई 2 ने L बाई 2 को मार दिया, यहां से टीबी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 एम जी डिवाइड ओवर 3। ऐसे जब टी ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एम जी बाई 3। तो गाइज इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन टी ए प्लस टी बी इक्वल टू एम जी से निकाल लेंगे तो वो भी इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है लैडर्स प्रॉब्लम। गाइज अगेन बार बार यही आपको टेक्निक लगाना है, टॉर्क जीरो करना है और कंपोनेंट को बैलेंस करना है। चले गाइज ये भी कर लेते हैं। देखिए इसके पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, सरफेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है उस रफ सरफेस है। अच्छा नॉर्मल कैसे रिएक्शन होता है, किसी दो पॉइंट दो बॉडी का अगर एक का पॉइंट टच हो एक का सरफेस टच हो तो हमेशा नॉर्मल सरफेस लगाता है। तो यहां पे धरती माता का सरफेस है, धरती माता नॉर्मल N1 लगाएंगी, और यहां पे भी धरती माता दिवाली है तो यहां पे भी वो भी नॉर्मल लगाएगा, और रॉड का जो Mg है वो ऐसे लगेगा उसके सेंटर पे, ठीक है। यहां ऊपर से L बाई 2, नीचे से भी L बाई 2, ठीक है। अब हमें किसके अबाउट टॉर्क जीरो करना है, ऐसे अगर टॉर्क जीरो करना है जहां पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो इसके अबाउट हम टॉर्क को जीरो करेंगे, क्योंकि यहां पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसके अबाउट टॉर्क जीरो करें, सबसे बैलेंस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा N2 इक्वल टू F और N1 इक्वल टू Mg, N1 इक्वल टू Mg। अब टॉर्क आप जीरो प्रूफ करें, ठीक है, किस एक के अबाउट, मैं प्रूफ कर रहा हूं टॉर्क नीचे वाले पॉइंट के अबाउट। तो अब देखूंगा N2 का जो परपेंडिकुलर थीटा 1 होगा, देखिए N2 ऐसे है, ऐसे N2 लग रहा है मेरे लिए, ए जो कंपोनेंट है उसके लिए N का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है R परपेंडिकुलर, जो उसके लिए R परपेंडिकुलर काम करेगा। वो क्या चीज है R परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, वो हो गया तुम्हारा L sin थीटा। क्या है ये दूरी, अगर L है रॉड की तो L sin थीटा R परपेंडिकुलर हो गया अपना, ठीक है। तो यहां पे N2 हो गया, तो टॉर्क देखेंगे, R वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो R क्रॉस F से देखेंगे तो R क्रॉस F से अपना किधर आ गया, नीचे के साइड में आ जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क 1 इक्वल टू माइनस N2 L साइन थीटा, ये टॉर्क 1 आ गया। ऐसे टॉर्क 2 जब निकालूंगा मैं, तो टॉर्क 2 के लिए इस पॉइंट के अगेंस्ट L बाई 2 दूरी है और एंगल है थीटा डिग्री, और यहां पे लग रहा है Mg। तो अब Mg के लिए इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए चीज होगा, जो कि L बाई 2 कॉस थीटा होगा, ठीक है। और R वेक्टर के हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं, तो R क्रॉस F करेंगे तो यहां पे डॉट आ जाएगा, तो यहां पे डॉट अगर आता है तो यहां पे डॉट आता है, तो टाउ 2 इक्वल टू हो जाएगा गाइज Mg L बाई 2 कॉस थीटा।
अब इसको प्लस कर देना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, तो ये हो जाएगा एम जी एल बाई टू कॉस थीटा इक्वल टू, पीछे क्या था, ये था अपना एन टू एल साइन थीटा, एन टू एल साइन थीटा। गाइस ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एन टू हो जाएगा एम जी बाई टू कॉट थीटा, एम जी बाई टू कॉट थीटा, ठीक है ना। यहाँ से एल एल गया यहाँ से, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये चीज किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ के इक्वल है एन टू, और एन वन किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, ठीक है गाइज। चलिए एक क्वेश्चन और भी है हिंज पे, हिंज वाला प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। देखिए हिंज वाला प्रॉब्लम क्या है कि जब भी एक हिंज वाले प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें हमें नॉर्मल ड्रॉ करना थोड़ा तकलीफ हमें दिखता है, तो आप घबराए ना, इसमें नॉर्मल आपको दो मानने चाहिए, एक वाई में और एक एक्स में, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर मानने चाहिए। देखिए यहां पे एक एन एक्स मान लें और ऊपर एक एन वाई मान लें, ठीक है। अब इसका एफबीडी बनाए, अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो आपको दिखेगा ऊपर के साइड में एन वाई, इधर के साइड में एन एक्स, और इसका वेट एम जी, और ऊपर रस्सी में टेंशन टी, ठीक है। अब देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो एन वाई प्लस टी इजकल टू एम जी एंड एन एक्स इजकल टू जीरो, ठीक है गाइस। दो इक्वेशन अपने आ गए। अब आपको क्या करना है, किसी एक के पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लेना, अगेन वही काम करेंगे, इसके अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे क्योंकि यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से एल बाई टू दूरी पे mg फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसका r वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं, तो अगेन क्या होगा, नीचे के साइड में आ जाएगा। तो नीचे के साइड में इसका टॉर्क आया, तो टॉर्क वन इक्वल टू माइनस mg l बाई टू, माइनस mg l बाई टू। अच्छा ऐसे दूसरे वाला पॉइंट की बात करूं तो दूसरा वाला पॉइंट जो है अपना कितने दूरी पे गाइज, देखिए यहां से l दूरी पे है और ऊपर फोर्स लगा रहा है, r वेक्टर का हेड वहां होगा जहां पे फोर्स लगाएंगे, तो टॉर्क अपना किधर आ जाएगा, ऊपर के साइड में टॉर्क आ जाएगा। तो ऊपर के साइड में टॉर्क आता है, टॉर्क टू इक्वल टू ये हो जाएगा टी इंटू एल, क्या है, दोनों इक्वेट कर दूं मैं, ये प्लस में आ जाएगा, तो टी एल इक्वल टू एम जी एल बाई टू, टी एल इक्वल टू एम जी एल बाई टू। देखिए गाइज एल ने एल को मार दिया, टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई टू। अगर आपको नॉर्मल चाहिए वहां पे हिंज पॉइंट पे कितना फोर्स लगा वो देखें, तो एन वाई इक्वल टू देखेंगे तो हो जाएगा एम जी माइनस एम जी बाई टू, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एन वाई इक्वल टू एम जी बाई टू, और एन एक्स जीरो था तो नेट फोर्स कितना हो गया, एम जी बाई टू। ओके गाइस समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं इसको मैं। देखिए एक हिंज है यहाँ पे, और हिंज से दो स्ट्रिंग लटके हुए, दीवार से दो स्ट्रिंग है, और जिसमें रस्सी टेंशन T1 और T2 है, और एक ट्रेंगुलर प्लेट है, क्या है, ट्रेंगुलर प्लेट जिसकी दो साइड AA और साइड A है, और इसका एंगल कितना है, राइट एंगल ट्रेंगल है, एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ये बोला हुआ है कि बताइए रस्सी में टेंशन T1 TA और TB क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अच्छा क्वेश्चन, इसलिए आप कोशिश करें स्क्रीन पॉज करें खुद सॉल्व करने की, और मैं बताऊंगा। चलिए मैं अब अपना मैं बताता। देखिए सबसे पहले इसका mg देखें जो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इस ट्रायंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। अब ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास होता कहां पे है, आपको पता है क्या है। देखिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, कोरोना टाइम होम में रहो फॉलो सेफ डिस्टेंसिंग, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कोरोना टाइम, कोरोना मतलब कौन होता है, सॉलिड कौन, टाइम मतलब ट्रायंगुलर प्लेट या होलो कौन। तो ट्रायंगुलर प्लेट का होता है h/3, क्या होता है h/3, h क्या होता है, हाइट ऑफ द कोन या हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट। तो हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, इसमें जो हाइट होगी इसकी, देखिए a वाली इसकी हाइट होगी, ठीक है, जिसकी ए वाली हाइट अगर लेना आपने को, ए वाली हाइट अगर निकाल लेते अपना काम बन जाएगा, ठीक है, अगर हाइट अपना आता है तब। अब ध्यान दीजिए कि ए एंगल अपना 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो अपनी हाइट जो हो जाएगी एच इक्वल टू ए कॉस 45, ए कॉस 45 डिग्री, तो हाइट हो गई ए बाई रूट टू, ठीक है। अच्छा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस से h बाई थ्री दूरी पे होता है, कितने दूरी पे, h बाई थ्री दूरी पे होता है, और ऊपर से होता है 2
2H by 3 पे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से H by 3, नीचे से H by 3 बेस से, तो ऊपर से हो जाएगा 2H by 3, कितना दूरी हो जाएगा ऊपर से 2H divide over 3, ये दूरी हो जाएगी 2H divide over 3 guys। ठीक है, अपने को इसका सेंटर ऑफ मास जो यहां पे mg है, यहां पे क्या होगा इसका टोटल मास mg। अब पहले बैलेंस करें, ये हो जाएगा TA प्लस TB इक्वल टू mg, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब बताऊंगा मैं टॉर्क अबाउट किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लेता, बताइए किसके अबाउट करूं, आप बताइए। चलिए मैं A के अबाउट टॉर्क जीरो करता, इसके अबाउट टॉर्क क्या कर लूं, जीरो कर लेता मैं। ठीक है, तो हमें दूरी परपेंडिकुलर दूरी पता होना चाहिए। अब अगर टॉर्क में A का टॉर्क लिखूं, A का टॉर्क जीरो हो जाएगा, mg का टॉर्क देखिए, mg के टॉर्क के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे A दूरी पता होनी चाहिए, ये तो परपेंडिकुलर दूरी होगी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से r वेक्टर जो है ऐसे है और mg कुछ इस तरीके से है, और r वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और इसका जो r परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये दूरी, ठीक है ना, जो भी जो यहां पे होगा वही दूरी यहां पे होगा। ठीक है गाइस, ये दूरी इक्वल होगा, तो कहीं ना कहीं अपने को ये दूरी दे रखी है, ये टेढ़ी वाली दूरी अपने को पता है 2h by 3। अब अगर 2h by 3 निकालूं मैं, 2h by 3 इक्वल टू कितना होगा, ये हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक का 2h by 3, तो 2h by 3 की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2, h की वैल्यू है a by root 2 into 1 by 3, ये हो जाएगी 2h by 3 की वैल्यू, इसका एक कंपोनेंट। अब ए एंगल भी 45 डिग्री है, तो ए हो जाएगा cos 45, इतना cos 45, तो ए दूरी जो हो जाएगा r परपेंडिकुलर, इस केस में जो r परपेंडिकुलर होगा ए होगा दिस वन 2a डिवाइड ओवर रूट 3 वन बाई रूट टू 1/3 इंटू cos 45, मतलब 1/√2। जब इसको सॉल्व करूंगा तो इससे मर जाएगा, r परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी a बाई 3, कितनी आ जाएगी a by 3। तो गाइस यहां पे r परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अपनी a by 3। देखिए गाइस, अब तो सिंपल हो गया, अगर आप एक बार आपने r परपेंडिकुलर निकाल लिया तो आपके लिए जो क्वेश्चन आसान हो गया, यहां पे जो फोर्स आ गया ऐसे, जो mg लग रहा था और a लग रहा था, इसका जो r परपेंडिकुलर अपना आ गया था वो a by 3 हो गया था। तो अब देखिए r क्रॉस f से अगर देखेंगे तो अपना थंब नीचे आ रहा है, तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में है, तो tau 1 की बात करें गाइस तो हो जाएगा mg a by 3। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा उसके अबाउट, यहां से कोई भी कितना दूरी पे, a दूरी पे ऊपर लग रहा है tb, तो गाइस इसका देखिए टॉर्क, इसका टॉर्क हो जाएगा यहां पे इसका हेड होगा, तो इसका टॉर्क ऊपर के साइड में आ जाएगा गाइज, तो ऊपर के साइड में टॉर्क अगर आ जाएगा डॉट, तो टॉर्क टी बी इक्वल टू हो जाएगा टी बी इंटू ए, क्या इसका टॉर्क पॉजिटिव आएगा, और इसका टॉर्क नेगेटिव क्रॉस में है तो नेगेटिव टॉर्क हम मान के चल रहे हैं। अब क्या दोनों इक्वेट कर दू, क्योंकि दोनों एक डॉट एक क्रॉस है, तो हो जाएगा गाइज देखिए क्या हो जाएगा, एम जी ए बाई 3 इज इक्वल टू TB A, देखिए A ने A को मार दे, यहाँ पे TB की वैल्यू क्या आ गई mg by 3, कितनी आ गई TB की वैल्यू mg by 3, गाइस टेंशन एट B इक्वल टू mg by 3। अच्छा टेंशन एट A निकाल लेंगे क्या, क्योंकि अपना जो आया था टेंशन एट A प्लस टेंशन एट B इज इक्वल टू mg आया था बैलेंस करने पे, तो गाइस टेंशन एट B इक्वल टू हो जाएगा 2mg by 3। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन बस इसलिए था, इसका सेंटर ऑफ मास के वजह से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के अब लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बातें करेंगे। ओके गाइज, चलिए थैंक यू सो मच।